की इस वीडियो में हम एक मुद्दे पर बात करेंगे। एक बच्चे ने क्लास में, मैंने सुना था, एक बार बात हो रही, कहता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो बेटा, ये सिर्फ बच्चे नहीं, हर कोई बोलता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ज़िंदगी में हर कोई दुखी है, तो बच्चों दुखी तो होना नहीं। इसके लिए कहानी सुनाता हूँ कि एक बार ईश्वर की मूर्ति के समक्ष एक मनुष्य आता है, तो कहता है कि हे ईश्वर, आप खड़े हैं। ठीक है, ये एक प्रतिबिंबिक कहानी है, पर सीख देती है कि ईश्वर जो करता है सभी के साथ सही करता है। तो वो ईश्वर को कहते हैं कि ईश्वर, आप घूम आइए, मैं आपकी मूर्ति के स्थान पर खड़ा हो जाता हूँ। वो कहते हैं नहीं। तो वो ज़िद करता है, तो वो कहते ठीक है। पर वो साथ में उन्हें कहते हैं कि आपने कुछ बोलना नहीं है, ठीक है, अगर कोई प्रार्थना करता है, आपका कोई भी दिल करता है, आपने सिर्फ शांत खड़े रहना। तो वो ईश्वर से वादा कर देते हैं, ठीक है, कि मैं बोलूँगा नहीं। तो बच्चों, ये कहानी हमें काफ़ी सीख दे जाती है कि हम क्यों रोते चिल्लाते हैं, कि ऐसा क्यों होता है। तो इसमें मतलब भगवान की मूर्ति के समक्ष सर्वप्रथम जब वो इंसान भगवान की मूर्ति के रूप में खड़ा होता है, तो एक मनुष्य आता है, तो वो काफ़ी चिंतित होता है। परंतु उस मनुष्य से पहले एक बिजनेसमैन आता है, जो भगवान से प्रार्थना करता है, ईश्वर मेरा धंधा खूब चमकाना, तो मतलब मैं बहुत मुनाफा कमाऊँ। तो वैसे वो मुनाफा कमा रहा होता है, तो इस प्रार्थना के दौरान उसका पर्स गिर जाता है, बटुआ, वॉलेट, तो वो चला जाता है। तो अब उसी के बाद वॉलेट जब गिर जाता है, तो एक बहुत मजबूर इंसान आता है, जिसके घर में अन्न नहीं है दो दिनों से। तो वो प्रार्थना करने आता है कि हे ईश्वर, मेरे घर में अन्न नहीं है, बच्चे भूखे हैं। तो वो देखता है कि बटुआ पड़ा है, तो शायद ईश्वर की कृपा से है। वो बटुआ उठाता है तो निकल जाता है। तो जो ईश्वर के रूप में मूर्ति बन के खड़े हैं वो मनुष्य, उसका मन बड़ा करता है कि मैं बोलूँ, पर वो नहीं बोलते। तो फिर उसके बाद एक नाभिक आता है। ये कहानी शायद आपने सुनी भी हो, बड़ी अच्छी कहानी थी। ये मैंने कल परसों फिर पढ़ी तो मेरे दिमाग में आया कि बात। तो फिर एक नाभिक आता है, जिसने मतलब अपनी शिप लेकर जानी होती है, जहाज़ लेकर जाना होता है व्यापार के लिए। तो वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि ईश्वर बचाना, मतलब रक्षा करना, समुद्र है, तूफान वगैरह ना आए। तो वो अभी प्रार्थना करके जाने होता तो नाभिक वही खड़ा होता, तो वो बिजनेसमैन आ जाता पुलिस लेकर कि मेरा यहाँ बटुआ गिरा था। तो अब वो नाभिक को फंसा देता है बिजनेसमैन। तो अब वो मनुष्य जो ईश्वर की मूर्ति बन के खड़ा है, उससे रहा नहीं जाता, तो वो बोल पड़ता है कि ये नाभिक चोर नहीं है, वो इंसान, असल में वो मजबूर था, उसको भूख लगी थी, उसके बच्चे भूखे थे। तो वो बता देता है, बोल पड़ता है। तो वो जो ईश्वर रूपी मनुष्य है, बड़ा खुश होता है कि मैंने पकड़वा दिया। अब क्या होता है, वो इंसान पकड़ा जाता है जो मजबूर है, बिजनेसमैन को बटुआ मिल जाता है, नाभिक भी चला जाता है। ईश्वर आते हैं, बंदा बड़ा खुश होकर बताता है कि ईश्वर देखो मैंने क्या किया, तो मैंने ये काम किया। तो ईश्वर कहते हैं धत तेरे की, तूने जो कहा था उसका उल्टा किया। तो उन्होंने कहा कि देख, बिजनेसमैन ने पता नहीं कितने लोगों का खून चूस के पैसा कमाया, उसको उस बटुए गिरने का कोई फ़ायदा नहीं था, नुकसान भी नहीं था, ठीक है, तो तूने गलती की। क्यों? क्योंकि वो इंसान जो मजबूर था, उसके घर में अन्न नहीं था, वो रोटी खा लेते, उसके बच्चे बच जाते, वो बच जाता, और जो नाविक था, तुझे पता है, अब उसने समुद्र जाना था और तूफान आना था, मर जाना था, पर अगर बिजनेसमैन के कारण पकड़ा जाता, वो जेल जाता, बच जाता। तो बच्चों देखिए, अगर नाभिक जेल जाता वो दुखी होता, हम भी दुखी होते हैं, पर नाभिक की जान बचनी थी, वो उसे नहीं पता होता। अब जो मजबूर इंसान था वो पकड़ा गया, उसका घर तबाह। तो कहने का मतलब, अगर वो इंसान जो ईश्वर की मूर्ति में था वो चुप रहता तो कितनी जानें बच जाती ना। तो इसलिए हमें दुखी नहीं होना, रोना नहीं कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ठीक है। तो इसको आगे विस्तार देता हूँ, मैं आगे भी बताऊँगा, अभी तो ये कहानी है, और ये कहानी हमें सीख देती है, जो कर रहे हैं ईश्वर सही कर रहे हैं, तो हमें उसे कुछ सीखना है, ठीक है। तो इसका जो दूसरा अंश है, हम अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है, और कुछ सीखेगा ज़रूर इससे। और कभी ये नहीं कहना है ईश्वर मेरे साथ ही ऐसा क्यों, जो हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है। धन्यवाद।